सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AMU एंट्रेंस क्रैकर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन लोगों ने न्यू एडमिशन लिया है या जो लोग न्यू एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई कर रहे हैं, और यूपी गवर्नमेंट स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि टैबलेट और स्मार्टफोन के फॉर्म जो कब रिलीज़ होंगे, और फॉर्म में आपको किस तरीके से रिलीज़ किए जाएंगे, और क्या क्या उसमें पढ़ना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, किस तरीके से उसका सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लें, और अगर आप चैनल पर हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग AMU में जो अभी न्यू इनरोल्ड हुए हैं, जिन लोगों ने अपना ईमेल आईडी रजिस्टर्ड कर रखा हुआ है, जो लोग न्यू इनरोल्ड हुए हैं वो भी, और जो लोग पुराने हैं यानी जो लोग पहले से वहाँ पढ़ रहे हैं उन लोगों का ईमेल एड्रेस वहाँ पर अपडेटेड हुआ होगा, तो उस ईमेल पर कुछ इस तरीके से आपके पास एक मैसेज आएगा। उसमें इस तरीके से लिख रहा होगा, डियर स्टूडेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल योर डेटा फॉर गेटिंग टैबलेट स्मार्टफोन इन द गिवन गूगल फॉर्म। फॉलोइंग केयर इज मस्ट। नंबर वन, आधार नंबर शुड बी ऑफ 12 डिजिट एंड नो एनी गैप स्पेस और शुड बी देयर। इनरोल नंबर शुड बी ऑफ 6 डिजिट, नो एनी गैप स्पेस और इट शुड बी लाइक दिस GH21। यानी इस तरीके से आपका इनरोलमेंट नंबर आपको भरना है, और आधार नंबर जो आपको 12 डिजिट आधार नंबर है उस तरीके उसको इस तरीके से भरने का आपको ये बता रहे हैं। तीसरा है, डेट ऑफ बर्थ शुड बी लाइक दिस इफ द डेट इज 2nd मार्च 2022। तो डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से भरनी है, इट शुड बी फिल्ड एज 2/3/2022 ओनली, नॉट और इज नॉट अलाउड इन द सब्जेक्ट फील्ड, ओनली द फर्स्ट कॉलम इज टू बी फिल्ड दैट इज ब्रांच ऑफ स्टडी, रेस्ट अदर फील्ड इज ऑफ सब्जेक्ट विल रिमेन ब्लैंक द लिंक फॉर। इस तरीके से आपको गूगल फॉर्म की लिंक आपके पास आएगी, तो आपको इस तरीके से जो स्टेप्स आपको बताए गए हैं आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। प्लीज़ नोट दैट ओनली दोज स्टूडेंट नीड टू फिल इन हु रिसीव द लिंक। सिर्फ वही स्टूडेंट भर सकते हैं जिसको ये लिंक रिसीव हुई है ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल। रजिस्टर्ड ईमेल पर आपके पास एक लिंक आएगा इस तरीके से, इफ़ इट इज़ बींग ट्रांसफर्ड बोथ द सेंटर एंड रिसीवर विल बिकम इनवैलिड। अगर आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो रिसीवर सेंटर दोनों इनवैलिड हो जाएंगे। तो ये लिंक आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। प्लीज़ फिल द गूगल फॉर्म बाई, और आपको डेट दे दी जाएगी पिछले साल का है। और फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास एक और मैसेज आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ही, डियर स्टूडेंट यू आर रिक्वेस्टेड टू फिल द गिवन गूगल फॉर्म फॉर कन्फर्मेशन। यानी कन्फर्मेशन करवाएगा आपसे वो फॉर्म दो फॉर्म योर साइट टू रिसीव द डिवाइस, देर इज नो नीड टू रिप्लाई टू दिस ईमेल। और इस ईमेल का आपको रिप्लाई नहीं करना होगा, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा गूगल फॉर्म उसमें आपने पूरी डिटेल डालेंगे, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्लास और आधार नंबर, इस तरीके से इनरोलमेंट नंबर सब आपको डालना होगा। उसके बाद कुछ ही दिन बाद आपके पास एक और ईमेल आएगा इस आपकी ईमेल आईडी पर, उसमें ये कन्फर्मेशन कराएगा, प्लीज़ नोट दैट ओनली दोज स्टूडेंट आर अलाउड टू फिल इन हु गॉट दिस मैसेज ऑन देयर ईमेल, ठीक है। देयरफॉर प्लीज़ डोंट शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स क्लासमेट, इफ़ यू डू नॉट दिस इट विल डिले द होल प्रोसेस। यानी कि अगर आप इसको शेयर करेंगे तो मतलब इसको शेयर ना करें और आप डिले करेंगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। हु आर कम्युनिकेटिंग टू दीज हु नेम्स वर रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि ये जो मेल भेजेंगे ये मेल से उन लोगों को भेजेंगे जो जिन लोगों ने मतलब गवर्नमेंट से जिन लोगों ने मेरा फॉर्म भरा होगा उन्हीं के पास ये लिंक जाएगा। द लिंक आपके ये लिंक आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पर होगा, तो आप लिंक से भी इसको भर सकते हैं। कन्फर्मेशन फॉर्म की लिंक भी आपको दे रखी है, कन्फर्मेशन आपको करना बहुत ज़रूरी रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो आपको टैबलेट और स्मार्टफोन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कन्फर्मेशन के बाद आपको, अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं तो सिलेक्टेड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक मेल और आएगा। उसमें आपको इस तरीके से लिखा होगा, डियर स्टूडेंट कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डिवाइस हैज बीन रिसीव बाय द यूनिवर्सिटी, यू आर रिक्वेस्टेड टू कलेक्ट योर डिवाइस। यानी कि यूनिवर्सिटी आपकी डिवाइस को कलेक्ट करेगा और आपको एक टाइम दे देगा, टाइम और डेट देगा आपको। ऐसे इस मैसेज में लिखा हुआ है, योर डिवाइस फ्रॉम द डीन स्टूडेंट, या DSW से आपको लेना पड़ेगा, नियर SS हॉल है, ऑन 11th ऑफ अगस्त 2022। यानी पिछले साल का है, ठीक है, थर्सडे में आप मतलब ये जो पिछले साल जो टाइमिंग थी वो आपको देना पड़ेगा। प्लीज़ ब्रिंग योर आधार कार्ड एंड एन ओरिजिनल यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड। आपको क्या करना होगा, उसके बाद एक आधार कार्ड लेकर जाना है और AMU की जो ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो आपको लेकर वहाँ जाना होगा, जिस पर आपका फोटो होना बहुत ज़रूरी है। बात याद रखें, फोटो आईडी कार्ड पर बहुत ज़रूरी है होना। प्लीज़ ब्रिंग योर आधार कार्ड एंड एन ओरिजिनल यूनिवर्सिटी आईडी, लाइक यूनिवर्सिटी आईडी कार्ड, एडमिशन कार्ड, एडमिट कार्ड इन विच योर इनरोलमेंट नंबर एंड फोटो शुड बी देयर। फॉर कलेक्टिंग द डिवाइस ईच स्टूडेंट शुड कम इन पर्सन विद द डिवाइस, विल नॉट बी इशूड टू एनी अदर पर्सन, फ्रेंड और फैमिली। यानी कि डिवाइस आपको खुद ही जाकर आपको लेना होगा गिवन टाइमिंग पर, ठीक है। उसके बाद आपको किसी भी ना फैमिली मेम्बर्स को दिया जाएगा, किसी को भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, ये थी छोटी सी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।